बस आप बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। वैसे तो ये आप ही का स्टूडियो है, बहुत पहले आप ही ने यहाँ पे शुरुआत की है इंदौर स्टेशन के संगीत कार्यक्रमों की, लेकिन ये एक सुखद अनुभव है अपने आप में कि आप इतने दिनों बाद फिर यहाँ मौजूद हैं और श्रोताओं के साथ कुछ आपका संपर्क हो रहा है आज। तो सबसे पहले आप श्रोताओं को ये बताइए बॉस साहब कि आपने किन किन घरानों की गायकी सीखी है और किन किन घरानों का आपको अनुभव है शैली का। मैं तीन घराने का शागिर्द हूँ। जी पहले ग्वालियर घराने का शागिर्द हूँ, और ग्वालियर गायकी मैंने पिताजी से हासिल की। बाद में मशहूर कैलाशवासी रामकृष्ण बाबा भजे, वे भी ग्वालियर घराने के गायक थे बड़े, उनके पास सीखा। जी उसके बाद उस्ताद अल्लादिया खां साहेब के सुपुत्र भुजी खां साहेब कोल्हापुर में रहते थे, जी उनके पास 4 साल मैं जयपुर गायकी सीखी। उसके बाद उस्ताद विलायत हुसैन खां साहेब, उनके पास 2-3 बरस अभ्यास किया, आगरा घराने। आगरा घराने की गायकी मैंने हासिल की। अच्छा, तो यानी कि तीन घरानों की गायकी का संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम कह लीजिए उसको, आपके पास उपलब्ध है। तो श्रोताओं को आप तीनों घराने में अलग अलग क्या शैली में विशेषता है और तीनों घराने की क्या परंपरा रही है उसके बारे में हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा नमूना बताएं। नमूना बताएंगे तो मेरे ख्याल से शुरुआत हम लोग आपके घराने यानी कि मुख्य घराने ग्वालियर ग्वालियर। घराने से। जी अब ग्वालियर घराने की गायकी मैं उसका ख्याल पहले आपको गा के बताता हूँ, जी बाद में वो ग्वालियर घराने की गायकी कैसी चलन है वो बताएंगे। बहुत अच्छा। हाँ, चिलवाड़ा लगाइए। ए आ जरा यानी अस्थाई में ये लफ्ज है, वो लफ्ज लेकर आलाप करने का ढंग ग्वालियर का है। सुनिए। हजरत तो रे कमान जो के बल बल ये रे माये फिर मेरो हजरत तो कमान जो ओ के बल बल जे रे माये बेरा मेरो साज हजरात तो आ आ आ आ
Kore kamane joge bal bal jaye re maaye bhira mera sa jo aaye raha hai tum ha 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 bala bala jaye re maaye bhira mero ho yaara एक ग्वालियर घराने की गायकी की शैली मैंने बताई आपको जी। अच्छा, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें ये हुई। अब उसके बाद हम कौन सा आगरा घराना लें या जयपुर का? कोई भी लीजिए। तो आगरा घराना लोग नजदीक मानते हैं इसके। तो मेरे ख्याल से अब आगरा घराने के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। आगरा घराने का हस्तांतर सुनाता हूँ और उनकी गायकी सुनाता हूँ जी। सुनिए। Gara jagata dhana Gara jagata dhana Kare e kare kare Chabu are ghana gore bole dadare mare na mate khazuge pa a Gara jai gada gana gare kare gara jai gada gana kare pavada rutu aaye gule han man baaye ga I
ये तो हुई बात। अब जिसे आपने दोनों के नमूने पेश किए ग्वालियर और आगरा के, इनमें मोटे रूप में क्या फर्क है वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा अच्छा, हर एक घराने का चलन जो रहता है, अब ग्वालियर घराने का चलन कैसा है, आगरा घराने का चलन कैसा है, जयपुर घराने का घरन, उनके ताल के साथ फिरने की मजा है जी, वो बताता हूँ मैं, गा के बताता हूँ। अब ग्वालियर घराने की गायकी कैसी, आज रा चलेगा, आज ये ग्वालियर, ये ग्वालियर। और इसी बंदिश को अगर आगरा वाले गाएंगे, बताता हूँ जी, हाँ दिन चलन में फर्क चल गया। अच्छा बस, अब ये तो दो बातें होगी दो घराने की। अब आप जो जयपुर घराने की गायकी जी, हाँ उनकी गायकी कैसे बताता हूँ जी। वे लोग तो हमेशा ज्यादा करके अप्रचलित राग गाते थे। अच्छा, लेकिन अप्रचलित रागों में फिरना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन उन्होंने कैसे उसकी आसान बात की है वो बताता हूँ जी। ढाई तीन तक ढा दिन तो jana piya aape I
आप उनकी तारों की स्पेशलिटी क्या सुनिए जी तो बोला पेज उनके और मुश्किल गायकी होते हुए भी सौंदर्य है उसमें। अच्छा अच्छा, आपने ये जो गायकी गाई ये तो खास बहुत से लोग इसे अलादिया खान साहब के घराने की गायकी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोगों का ये भ्रम है कि जयपुर घराना और अलादिया खान साहब का घराना अलग अलग तो नहीं? जयपुर घराने के रहने वाले जयपुर गायकी नहीं गाते थे जी। अलादिया खान साहब जयपुर के पास अतरौली करके गांव है, वहाँ के रहने वाले। तो बड़ा शहर का नाम रखना चाहिए गायकी की, गायकी को, इसीलिए जयपुर की गायकी, ग्वालियर के रहने वाले अद्वासों का ग्वालियर की गायकी, ऐसा नाम पड़ा है। यानी कि अलादिया खान साहब के घराने की गायकी और जयपुर घराने की गायकी अलग 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 है। अलग है हाँ। जयपुर के रहने वाले जो गाते थे यानी लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर वाले, उनकी गायकी अलग थी। अच्छा। और अलादिया खान साहब की गायकी अलग थी। अच्छा, तो ये फिर जयपुर घराना किसको माने हम? जो उनके घराने के शागिर्द है जी, यानी मोगू भाई, केसर भाई, मल्लिकार्जुन जी, वे जयपुर घराने की गायकी गाते हैं। अच्छा अच्छा, ठुमरी में भी काफी लोग बताया करते हैं कि देखिए साहब ये जयपुर अंग है, जिस तरह से पटियाला अंग या बनारस अंग ठुमरी का प्रचलित है, उसी तरह से जयपुर अंग भी लोग बताते थे। तो ये ठुमरी के लिए ज्यादा मशहूर रहा है या ख्याल गायकी के लिए? ख्याल गायकी के लिए रहा, ज्यादा मशहूर रहा। खास ठुमरी का काम तो बनारस में ही गाते थे। अच्छा, यानी सिद्धेश्वरी भाई, रसूलन भाई, गिरिजा भाई जी। और ठुमरी का ढंग जो गाने का बनारस का है वो अलग है। जयपुर में ठुमरी गाया नहीं जाती थी, हमने नहीं सुना। अच्छा, आपने कभी इस ओर ध्यान दिया ठुमरी की तरफ? नहीं नहीं, हम सिर्फ ख्याल गायकी की मुख्य रूप से ख्याल ही गाते हैं। अच्छा बुआ साहब, एक और आपकी आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है, वो आपका वायलिन वादन है। और उसमें आपने मतलब इतनी ही महारत हासिल की जितने की आपने गाने में की है। इन दिनों आप वायलिन बजाते हैं या नहीं? अभी छोड़ दिया, बीच में हम बहुत बीमार थे जी। वो बीमार होने के वजह से हमारे हाथ में ताकत, उंगलियों में इतनी ताकत रही नहीं। और हमने ठहराया था कि जब तक अच्छा बजाते तब तक सुनाना, और अच्छा बजाना नहीं होगा जी तो सुनाना नहीं। क्यों पब्लिक नाम निकालते हैं कि एक जमाने में अच्छे से बजाते थे, अभी अच्छा नहीं बजा सकते। ठीक बात। तो काय को बजाते हैं? ठीक बात।
वो तो अपने आप ही मतलब इस्तीफा देना ज्यादा अच्छा है बजाय कि लोग बोर होके। अच्छा, इस संबंध में एक चीज के आपके वादन में खैर और सारी चीजें रागदारी और ये वो काफी बातें रही हैं, लेकिन लयकारी लोग बाग जैसा कि मानते हैं उसका प्राधान्य रहा है। ओ, लयकारी साध्य करने के लिए मैंने बाकायदा तबला का शिक्षण ले लिया है जी। और लय और सुर एक कुदरती कलाकार के अंग में चाहिए। वो बेताल कुदरती से बेताल होगा, बेसुरा होगा तो वो सुरेला नहीं हो सकता, वो ताल में सच्चा नहीं आ सकता है। ये कुदरती बात ही, और कुदरती होने के कारण वो अभ्यास और ज़्यादा करेंगे तबले का लय का तो ज़्यादा अच्छा लयदारी बता सकता है। वाह, देखिए अच्छी बात चली है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे आपने अभी अलादिया खान साहब के घराने की गायकी जो आपने नमूना बताया उसमें तानों की जो फिरत और विकट तरीके से आना और आधी मात्रा का भी अगर मुखड़ा हो तो वहीं मतलब एक मात्रा पे ही तान छूटेगी और आप आधी मात्रा से फटाक से संपे आ जाएंगे। ये विशेषताएं रही है, मतलब बिना लय जानने वाला आदमी उसको नहीं गा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उससे एस्थेटिक सेंस या कह लीजिए सौंदर्य वो कम हो जाता है लयकारी ज्यादा बताने से। ये तो खास बात थी अल्लाह दे के घराने की जी, कि मुश्किल तान होकर भी उसमें सौंदर्य कैसा रखना, आप 5 मिनट में 10 मिनट में बता नहीं सकता हूँ मैं। आप महफिल में सुनिए फिर अच्छे तरह से बताओ। नहीं, आप तो खैर मोटे तौर पे श्रोताओं को ये बताइए कि गाने वाले या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो तंत्रकार हैं उनको उनके गायन या वादन में सुर कितना होना चाहिए और लय कितनी होनी चाहिए। बराबर, आपने अच्छा सवाल पूछा। सुर ताल दोनों मुश्किल है जी, लेकिन सुर छोड़ के भी गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुर भी 50% चाहिए बिल्कुल, और लय भी 50% चाहिए। अच्छा, यानी कि 50-50 दोनों का। 50-50 दोनों का। एक खाली सुर गाएंगे तो एक 10 मिनट तक अच्छा लगेगा, बाद में ऐसा सुनने वाले कहेंगे कि कुछ चलो आप ये चलन चलो, कुछ लयदारी बताओ, कुछ बोलतान बताओ, कुछ तान बताओ, कुछ विविधता आनी चाहिए। विविधता आनी चाहिए जी। अच्छा, आपने जो वायलिन का जिक्र चल रहा था तो वायलिन तो अब आपने फिलहाल छोड़ ही रखा, अदरवाइज आपसे निवेदन करते, लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है? आपने गायन और वायलिन वादन दोनों में बराबर ख्याति अर्जित की है, तो आपका क्या अनुभव है? वायलिन ज़्यादा आपको कठिन लगा या गाना? मेरा अनुभव मैं कहता हूँ आपको जी, ये जो गला है गाने वाले का जी, वो सब तरकीब का काम कर सकता हूँ, लेकिन साज जो है, साज हर एक साज का एक स्वभाव रहता है जी, और स्वभाव के अनुसार उसमें गाना बजता है, बजाना होता है, यानी कि उसकी सीमा है, इसकी सीमा है जी। लेकिन एक कहावत है, सबसे अच्छा गाना मध्यम बजाना और कनिष्ठ नाचना। गला बादशाह है, गला कोई भी काम कर सकता है, ऐसा साज नहीं कर सकता है। फिर भी लोगों ने साज में भी काफ़ी कुछ किया है, जैसे वायलिन को ही हम लोग लें तो दक्षिण भारतीय जो पद्धति है उन लोगों ने काफ़ी कुछ इस इंस्ट्रूमेंट को संभाला और अच्छा बजाया। हाँ, गमक अंग अच्छा बजाया जी। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई वायलिनिस्ट आज, जैसे कुछ वायलिनिस्ट हैं दक्षिण भारत के, उनको म्यूजिक तो हिंदुस्तानी पद्धति का ज़्यादा अच्छा लगता है और वो प्रभावित हुए हैं और हिंदुस्तानी पद्धति, जैसे गोपाल कृष्णन जी की बात ले लीजिए कि वो कर्नाटक शैली में बजाते हुए भी हिंदुस्तानी पद्धति के रागों का बराबर उपयोग करते हैं।
रमेश गोपाल कृष्णन, इसी तरह से एनराजम है, एनराजम उन्होंने भी अपना जो प्रारंभिक शिक्षण है वो शुरू किया है उससे, कर्नाटक शैली से, और बजाती हैं हिंदुस्तानी संगीत। तो ये जो मिश्रण हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दाक्षिणात्य गायकी और बजाने का ढंग और हिंदुस्तानी उत्तर हिंदुस्तानी गाने का ढंग जी, गायकी उनकी गायकी, तो मेरी समझ ऐसी है कि हिंदुस्तानी गायकी तो उसका चलन आलाप बोलतान तान विस्तार ज़्यादा है और कर्नाटकी म्यूजिक में विस्तार कम है जी। और वे लोग ठाए लय में नहीं गाते, हमेशा उनकी लय बढ़ती रहती है। अच्छा। ऐसे धा दिन दिन दा धा दिन, इस लय में। लेकिन ख्याल गायकी उनके गाने में बजाने में नहीं होने के वजह से वो विस्तार ज्यादा नहीं कर स्कोप सकते। कम है उसमें, स्कोप कम है जी। अच्छा भाई साहब, आखिर में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि आपने लंबा अरसा एक म्यूजिशियन एक संगीतज्ञ होने के नाते जिया है, मतलब आप मेरे ख्याल से 74-75 साल जीना पड़ा ही मजबूरी से तो आपका संगीत को लेके क्या अनुभूति आपके जीवन में अपनी रही है, और इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहते हैं, क्या कोई संदेश या कोई बात? ओ, परंपरागत रीत का गाना, कायदे का गाना जो है, वो फिलहाल के जो मशहूर आर्टिस्ट है जी, वो गाते नहीं, वो अपने मन की गायकी, मन का विस्तार जी। वो सुनकर हमको बहुत अफसोस होता है कि इतनी अच्छी परंपरा भी, परंपरा की गायकी होते हुए भी इसको क्यों नहीं मनाते हैं। लेकिन गाना बतलाने वाले भी बड़े बड़े उस्ताद कम हो गए जी। वो कई गलती उस्तादों की भी है, कई गलती शागिर्दों की भी है, लेकिन ये मुश्किल होने के वजह से उसी रास्ते से जाना नए कलाकार पसंद ही नहीं करते। ऐसा मेरा अनुभव जो मैं आज फिलहाल सुनता हूँ वो ऐसा ही समझो कि इस तरकीब से गाना उन्होंने छोड़ दिया है। हर एक अपना अपना तानसेन हो गया और अपनी अपनी गायकी बना रहे और सुना रहे। घराने की गायकी बहुत खत्म हो रही है, ऐसा मेरा तो ख्याल ऐसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने घराने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो छोड़ेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि विधिवत शिक्षा बहुत आवश्यक है। आवश्यक है, अच्छी बात है। आपका हम मतलब आपके बहुत आभारी हैं कि आपने श्रोताओं को काफ़ी अच्छी और गुण की बातें बतलाईं। नमस्कार, शुक्रिया।